चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है, सांप, सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं जानता हूं, संतों और संस्कारों की धरती कर्नाटका के लोग कांग्रेस के इस गाली गलौज का चोट धरा जवाब वोट के माध्यम से देकर के उनके इन सारे मंसूबों को चूर चूर कर देंगे। ये नाराजगी, ये जनता जनार्दन का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ 10 मई को पोलिंग बूथ पर बढ़ चढ़ करके निकलने वाला है। गारंटी दी कांग्रेस ने, धोखा दिया कांग्रेस ने, और काम पूरा किया भाजपा ने। काम पूरा किया। कांग्रेस सरकार ने कभी भी किसानों की परवाह नहीं की, लेकिन बीजेपी सरकार बीज से बाजार तक किसानों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस और उसके शाही परिवार से देश का विश्वास क्यों टूटा है, इसका भी एक कारण है। कांग्रेस की पहचान हमेशा से 85% कमीशन खाने की रही है। कांग्रेस के शासन में उसके सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। गरीब के हक का 85 पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस ने जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया उनका सार्वजनिक कबूलनामा है। 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कभी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकती। भाइयों और बहनों, कांग्रेस भ्रष्टाचार में ही फलती फूलती है, इसलिए वो कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर ही नहीं सकते। कांग्रेस ऐसी कोई योजना बना ही नहीं सकती जिसमें घोटाले ना हो। आज भी कांग्रेस के शाही परिवार, उसके करीबी लोग हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर बाहर है। आप सोचिए, जो लोग करप्शन के आरोप में स्वयं जमानत पर बाहर है, वो आज कर्नाटक में आप करके उपदेश दे रहे हैं, जिसके शीर्ष नेता ही भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरे हो, जिस शाही परिवार के सदस्य जमानत पर बाहर हो, वो कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती।